लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इधर साले को छोड़ दो उसे। ए, कहां घुसाता है? अरे चल यहां से, हम है ना सर वो। अरे जाता है यार, रात हवालात में गुजारने का इरादा। चल चलो चलो यहां से, उसे मार रहे हैं सर। ऐसा रे तू मास्टर है, काट देना। रवि घर चल। चल खाना खा ले, खा ले ना। ले तू खाएगा। खबरदार जो इसे खाना खिलाया। मां मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है खाने के बीच झगड़ा मत किया करो। तेरा बाप मरा था तो मैं बहुत रोई थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि एक शराब इसे पीछा छूट गया। अब उसकी उल्टियां साफ नहीं करनी पड़ेंगी। सच्चे आदमी का कर्जा चुकाने के लिए आए दिन कर्जदारों को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अपने बेटे के सहारे जी लूंगी। मुझे क्या पता था वो भी शराबी निकलेगा। माँ, बाप मरा नहीं, वो शीशा बनकर मेरे लहू में बैठा है। तू क्या समझती मैं हालात से, जीवन से समझौता नहीं करना चाहता? क्या करूं, जब भी मैं हाँ कहता हूँ वो अंदर से ना कहलवा देता है। फिर निकाल फेंक उसे, मार डाल। उसे मारने के लिए मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। तो फिर मर जा, वैसे भी तू जिंदा कहाँ है? अपने आप से खिन नहीं आती है तुझे? पूछ अपने अंदर बैठे उस पाप से, अपनी बहन की कमाई पर जिंदा रहने से क्या तेरा मर जाना? वाह, कितनी नंगी बातें करती हो तुम। मैं क्या धंधा करके पैसे लाती हो? शशि, माँ ठीक कहती है, माँ ठीक कहती है। शशि, मैं मर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। डराता किसे? सब ठीक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा हो जाएगा। मैं इसकी कमाई पर जिंदा हूं शशि। शशि माँ तुम कब सुधरोगी? रोज गैस खुला छोड़ देती हो। मॉर्निंग। ला नाप लेती हूँ तेरा। रोज एक चप्पल गुम कर देते हो तुम, जानते हो? आ,
ये लो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पैसे और तुम्हारी रम के पैसे। देखो रवि, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया पीने से, जितनी मर्जी पियो लेकिन घर पे बैठ के पियो ताकि हमें परेशानी ना हो। तुम जब देर से घर पे आते हो ना, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। फिर से लाड़ जताना शुरू कर दिया? माँ प्लीज। बाय। और ये तुम्हारी मेहंदी के पैसे, ताकि तुम्हारा बुढ़ापा भी चुगली न खाए और तुम्हारा दिमाग भी ठंडा रहे। जब औलाद जवान होने लगती है तो माँ का बुढ़ापा मेहंदी से नहीं। माँ, मुझे कभी कभी लगता है तुम मेरी माँ नहीं बेटी हो। और जब तुम गुस्से में बर्तन वगैरह फेंकना शुरू करती हो ना तो लगता है तुम्हारा कान पकड़ लूं। जा, ऑफिस को देर हो रही है। ओके, देखो अब तुम दोनों अच्छे बच्चे बनना और झगड़ा नहीं करना। चलती हूँ। तो कहीं ये तो नहीं समझता मैं तुझे प्यार नहीं करती? नहीं तो? तेरे बाप की ईमानदारी की सजा हमें मिली, अब तेरी ईमानदारी की कीमत शशि को चुकानी पड़ रही है। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा होना बुरी बात है, पर साथ साथ तेरा कुछ फर्ज भी तो बनता है अपनों के लिए। शशि की शादी की उम्र निकली जा रही है, रात को देर से घर आने लगी है, कमाती है ना, इसलिए पूछ भी नहीं पाती कहां रह गई थी। जमाना बहुत खराब है बेटे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे अपनी शशि पर पूरा भरोसा है माँ। मैं औरत हूं और औरत के मन और शरीर को तुमसे ज्यादा समझती हूं। मैं तो बस इतना समझता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी ईमानदारी और जमीर को शशि के लिए और तुम्हारे लिए गिरवी रख दूंगा। ये गिरवी रख के एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। बेचारी 14 साल की थी तब से घर को संभाल रही है, राखी बांधती थी तुझे तो उसी से पैसे लेकर उसी को देता था। बड़ा ईमानदार बनता है ना, तो सच बता उसकी शादी का सोचते ही कांप नहीं उठते? कौन कमा के हमें खिलाएगा? बहुत कड़वी बात की तूने मां, लेकिन सच है। चक्रधारी, पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं यार, पैसे कौन मांग रहा है, मुझे तो केस चाहिए। केस? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तुम लोग, ये दुनिया, ये समाज जैसा चाहती है ना वैसा मैं बन जाऊंगा। झूठा, बस मुझे कमाई करनी है। देख रवि, जैसे तू बोल रहा है ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अरे कितना पैसा चाहिए तेरे को, तू बोल तेरे को कितना पैसा चाहिए रे? ये ले बोल। पर मगर उधार मांग मांग कर कब तक गुजारा चलेगा चक्रधारी? काम मिलेगा, मिलेगा रवि, पर तू इसके लिए ना अपनी ईमानदारी निलाम मत कर। ईमानदारी है ना, ये भी शराब की बोतल की तरह है, दोनों में नशा है, दोनों में दिमाग घुमा रहता है और आदमी अकड़ कर बात करता है, मगर दोनों का हकीकत से कोई लेने देना नहीं। तू नहीं चाहता मैं हकीकत का सामना करूं? सेठ साहब, आपका काम हो गया जी। एकदम फाइनल। रवि, सेठ साहब इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। लड़की की माँ को कोई एतराज नहीं है, तुमको कोर्ट में यह एफिडेविट देना है कि ये लड़की करेक्ट है। मतलब? मतलब बालिग है। आप यहां पर दस्तखत कीजिए। जी। आप यहां। लगता नहीं कि तुम 18 साल से ऊपर की हो। अरे है साहब, लीजिए ना इसकी उम्र का एफिडेविट। गरीब घराने की बच्ची है ना, खाना पीना बराबर नहीं रहा, इसलिए बेचारी जरा सिकुड़ से गई है। आप यहां पर विटनेस दीजिए। हाँ।
रजिस्ट्रार साहब, ये एफिडेविट झूठा है। ये लड़की वाकई नाबालिग है। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इस बात पर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। रवि, तुम्हारे पिताजी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और लोग आज तक उनकी ईमानदारी का उदाहरण देते। I'm sorry, sir. I'm sorry. पहला कसूर है, माफ कर देता हूं। आप लोग जाइए यहां से, जाइए। शशि, ये क्या हुआ? वो बार खून कहां से आ गया? तुमने झगड़ा कौन था वो बार सड़क पर तुम्हारे साथ? क्या क्या बात कर रहे हो तुम? मैं यहाँ बाथरूम में थी, तुमने बहुत शराब पी रखी है। चलो रवि, चलो कम। लेकिन शशि, मैंने देखा उसे वहां, मैं सड़क पर। कैसी बातें करते हो तुम? यही तो खराबी है तुम्हारे शराब पीने में। इतनी शराब पी लेते हो, खुली आंख सपना देखना शुरू कर देते हो। मां, इसने खाना खाया? देखो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, साथ में खाना खाएंगे। हाँ, लग रहा है। किस बात का मां? तूने इन दिनों शशि को गौर से देखा है? हाँ। तो उसका जिस्म कुछ भरा भरा सा नहीं लग रहा? उसके चेहरे पर रूप सा नहीं आ गया? मां, तू कैसी कैसी बात कर रही है? तू तुझ ये कार्ड उसकी पर्स से गिरा था। ये तो किसी गर्भ के डॉक्टर का कार्ड है, गायनेकोलॉजिस्ट का। तो पर मां, औरतें डॉक्टर के पास गर्भ की किसी भी बीमारी के लिए जा सकती हैं, जरूरी तो नहीं वो। काश तू जो कह रहा है वो सच हो। मुझे तो कैसे पूछो उससे ऐसी बेशर्मी की बात? भरोसा करो, शशि ऐसी नहीं है। जाओ सो जाओ। सो जाओ, नींद आ सकती है। क्यों वकील साहब, आज सुबह सुबह कोई कानूनी नुक्ता सुलझा रहे? कोई मदद चाहिए आपको? शशि। हाँ? मां तुमसे कुछ पूछना चाहती है।
पूछना तो मैं इनसे कुछ चाहती हूँ, बताइए आपने बालों में मेहंदी क्यों नहीं लगाई? अरे क्या बात है, हाँ? ये क्या है? कार्ड है, तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे पर्स से। कमाल है, वकील साहब हमारे सामान की तलाशी लेने से पहले इन्हें सर्च वारंट लेना चाहिए था, बताइए आप इनको। तुझे इस डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ी? आप समझी माँ, तुम बहुत ही शकी हो। मेरे ऑफिस में एक औरत काम करती है प्रमिला, उसके दो बच्चे हैं, उसको तीसरा बच्चा होने वाला है, वो बच्चा नहीं चाहती। फैमिली प्लानिंग उसका कार्ड है ये। देखा माँ, मैं नहीं कहता था, कोई बात नहीं। तू ये सच कह रही है? और नहीं तो क्या? तो रवि के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। माँ ये सब क्या? कसम खा। खाई कसम। बस तुम्हारी झूठी कसम खाई, मैं तुमसे झूठ बोली। कल रात जो तुम्हारे साथ था वही ना? हाँ। कौन है वो? रणबीर सिंह, पुलिस ऑफिसर है। तुमसे शादी करने को तैयार है? हाँ। तो फिर ये अबॉर्शन क्यों? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? तो फिर ये सब हुआ कैसे? मेरे सवालों का जवाब दो शशि। माँ को कुछ हो गया तो? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना प्लीज, चाहता हूँ। प्लीज रवि, प्लीज मुझे अकेली छोड़ दो। प्लीज